निम्स यूनिवर्सिटी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को रेप केस में फंसाने की धमकी। निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर की पत्नी डॉक्टर शोभा तोमर के साथ 14,32,000 की हुई धोखाधड़ी। आरोपी ने खुद को आयकर विभाग निदेशक सुमंत सिन्हा बताकर डॉक्टर शोभा तोमर से की बात। आरोपी ने फोन पर कहा कि उनके पति डॉक्टर बीएस तोमर ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, जिसके सबूत मेरे पास है और वह तोमर से बदला लेना चाहता है। डॉक्टर शोभा तोमर ने पुलिस को बताया कि वह फोन कॉल से डर गई और आरोपी ने पैसों की डिमांड की और कहा कि एक व्यक्ति आएगा, उसे रुपए दे दे। उसके बाद 13 जून से 21 जून के बीच एक व्यक्ति उससे मिलने आता है और रुपए लेकर चला जाता है। उसके बाद भी जब ब्लैकमेलर सबूत नहीं देता है तो डॉक्टर शोभा तोमर ने मोती डूंगरी थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसकी जाँच अभी जारी है।